के दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। ओ हो, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जीवे पाकिस्तान के एक और शो के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। किचन में छेड़छाड़ मत करो बच्चों, बच्चों किचन में छेड़छाड़ मत करो। ये टिश्यू पेपर जो है ये बहुत मेहनत से हमने स्पॉन्सर कराए हैं। क्या बात है। इसको लेके वापस पतले वाले दरवाजे से यहां पर आ जाओ, दोनों बच्चों आ जाओ। तो आज माशाल्लाह हमारा जो ये शो आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान 2.0, इसमें आज जो मेहमान हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ करा दूँ अपनी पहली मेहमान का जिसको मैं बुला रहा हूँ। एक ऐसी फनकारा है जिन्होंने एक बहुत बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद सिफारिश को तरक्की का जीना नहीं बनाया, बल्कि अपनी जाती सलाहियतों को बरुएकार लाते हुए अपनी फैशन इंडस्ट्री में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, अपनी टेलीविजन इंडस्ट्री में पहचान बनाई। वाह। और फिर एक के बाद एक कामयाब ड्रामा सीरियल्स में शानदार परफॉर्मेंस से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। पाकिस्तान के अलावा पड़ोसी मुल्क की फिल्म में भी जलवागर हो चुकी हैं और एक निजी चैनल की मॉर्निंग शो में मेजबानी की जौहर भी दिखा चुकी हैं। फनकाराना सलाहियतें
इन्हें विरसे में मिली है, क्योंकि एक मारूफ शख्सियत की साहबजादी, नाम मैं उनका नहीं लूंगा क्योंकि जब इनका नाम लूंगा तो उनका नाम खुद ही जहन मार जाए। बात तो इसको कहते हैं, बात तो इसको कहते हैं, क्या बात तो ये होती है कि बेटी के नाम से बाप पहचाना जाए, बाप के नाम से बेटी पहचानी जाए। बाप की खुशी की इंतहा नहीं होती जब उसकी औलाद उसके नाम से पहचानी जाए, और औलाद की खुशी की इंतहा नहीं होती जब वो अपने बाप के नाम से पहचाना जाए। जिन साहब की मैं बात कर रहा हूं वो मेरे बहुत अजीज है, और अगर मुझे सुन रहे हैं और यकीन सुन रहे होंगे, वो मुझे बहुत अजीज है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और उनके साथ उनके दोस्त हैं उनके लिए भी, दोनों मेरी जान है, जान इसलिए कि दोनों ने मुझे कभी दौलत या कोई विरासत या कोई ऐसी चीज नहीं दी, एक चीज दी है बहुत ज्यादा दी है, इज्जत। बा अदब बा नसीब, बेअदब बद नसीब, ये दोनों बा अदब है बा नसीब है, इसलिए इनकी शान में कोई भी बेअदबी करता है वो खुद तबाह हो जाता है, ये बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा जिनको बुला रहा हूं। अच्छा, उनको बुलाने से पहले मैं काफी जरा मिला लूं, जैसे वो है एक, जैसे वो है एक, जैसे वो है एक, नहीं थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे वो है इंडस्ट्री में एक, जैसे वो है इंडस्ट्री में एक, क्योंकि अगर हम सिर्फ वो एक कह देंगे तो वो एक, हाँ। जैसे वो एक ख्याल करना पड़ता है, बहुत अच्छे, तालियां बजाओ इस बात को, ख्याल। जैसे वो है इंडस्ट्री में एक, जैसे वो है लेकिन ये है नेक, लेकिन ये है नेक, वो नहीं है नेक, वो नहीं है नेक, ये मेरी बात है ना, आपकी बात नहीं है, लेकिन ये है नेक, लेकिन ये है नेक, और ये भी है इंडस्ट्री में एक, लेकिन ये भी है इंडस्ट्री में एक, जब काम नहीं मिलता तो लगा लेती है टेक, जब काम नहीं मिलता तो लगा लेती है टेक, मगर नहीं लेती कभी भी दूसरा टेक, नहीं लेते लेकिन दूसरा टेक, तशरीफ लाती है मुमल शेख। क्या हाल है मेरी निकाजात बहन, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, निकाजात बहन का मतलब क्या होता है? एक होती खालाजात बहन, एक होती फूफीजात बहन, एक होती निकाजात बहन। निकाजात बहन ये होती है कि जब जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो उसके घर में मीलाद किसने पढ़ा होता है, तो जब इनका निकाह पढ़ाया जाने वाला था तो इनके घर में इनकी अम्मी ने, इनकी वालदा ज़ीनत साहिबा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त महफिल सजाई मीलाद की, और उनकी एक ही ख्वाहिश थी, हाँ, और उनकी एक ही ख्वाहिश, और उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आके पढ़ूँ, और मैं आके पढ़ा, और इनके अब्बा ड्राइंग रूम में बैठे हुए पूरा मीलाद सुन रहे थे, अब बहरोज भी सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, और क्या नूरानी महफिल थी, क्या खूबसूरत पड़ेगी उसके बाद, आपकी वजह से, अरे नहीं, उसके बाद फिर ये ब्याह गई, और आप देखिए जहाँ मीलाद पढ़े जाए, जहाँ जिक्र हो, माँ ब्याहने के बाद कितनी खुश है अपने घर में, अल्लाह ताला खुश रखिए, सलामत रखिए, 10 years 10 years 10 साल 10 बरस हो गए, पता नहीं चला, पता नहीं चला, देखिए तुम तो अभी तक वैसी की वैसी हो, पता नहीं चला, हाँ, और वैसी की वैसी है ये, उसी तरह हंसी मुस्कुराती मुमल आपको नजर आएगी, अल्लाह ताला ऐसी रखे तुम्हें, बहुत बहुत शुक्रम रखे, और बच्चे की क्या पोजीशन है, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बिल्कुल, क्योंकि वो आपने जो कोविड के दौरान मसला था वो सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसकी बड़ी फिक्र थी, है ना, क्योंकि मुझे बहुत थी, क्योंकि उस वक्त हमने जब मुमल को बुलाया था तो मुमल बहुत एहतियात के साथ आई थी, और मैं मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि खुदा ना खास्ता तो जो मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा घर है ना, ये मेरा घर है, तो मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि घर की बात है, अब मेरे घर में कुछ ना हो जाए, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खैर तो आप तो शेख साहब तो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश है, उनको तो मैं बोलती हूँ कि बच्चों को के नाना बोले तो वो तो अवॉइड करते हैं, दोनों ने अपना नाम बोल दिया है, मैं बारनी हूँ, बारनी हूँ, हाँ बारनी हूँ, तो हम समझे वो कार्टून वाला बारनी, तो शामी शहजाद का जो बेटा है वो उनको बाबा जानी कहता था, तो वो कह नहीं पाया तो उसने बारनी कर दिया, तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे बच्चे तो नाना बोलेंगे भाई, मेरे बच्चे तो नाना बोलेंगे, लेकिन आप सोचिए जितना मैंने इब्राहिम को सिखाया उन्होंने डबल सिखा के बोला कि नहीं मैं नाना नहीं मैं बानी हूँ, उस आदमी पर कुछ अल्लाह की रहमत है, आपको कहा बात बताऊँ, पूरी कोशिश कोई कर ले कि उसको कुछ आप मतलब ये पूरी कोशिश बेटी ने कर ली, पूरी कोशिश कि नाना, इसलिए कि भाई कहीं तो थमे,
नाना सुनकी थम जाए कि मैं नाना हूँ. नहीं नहीं भाई, वो नाना पाटेकर बन गए. उन्होंने बानी बानी करके यहाँ पे भी अपना काम चला लिया. शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, आई लव यू. अगर ये मोमल के बारे में मैं आपको बताऊँ कि मोमल की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इन्होंने अपना तरक्की का जीना सिफारिश को नहीं बनाया. उसके साथ साथ एक और बात है, और वो ये कि इनका स्टार टॉरस है, और टॉरस का जो सितारा होता है वो सितारा रखने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत दोस्त जल्दी बना देते हैं और बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन गुस्से के कभी कभी तेज होते हैं. जहाँ रोमांस होता है, जहाँ रोमांटिक आदमी होता है या रोमांटिसिज्म होता है, वहाँ पर गुस्सा आता है. इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में कीमियाई तवाजुन बरकरार रखने के लिए जहाँ मोहब्बत बहुत ज़्यादा देता है वहाँ पर अल्लाह थोड़ा नाराज़गी भी देता है, क्योंकि मोहब्बत और नाराज़गी का चोरी दामन का साथ है. अगर ये दोनों ना हो तो फिर पता नहीं चलता कि कब मोहब्बत हुई और कब नाराज़गी, कब रूठना हुआ और कब बना. लेकिन हमें भाई आपको पता है शादी के बाद बहुत ही लंबा था. शादी के बाद गुस्से को कंट्रोल करना ही पड़ता है एक औरत को, चाहे कुछ भी हो जाए. बिकॉज हाँ, स्टार तो है और गुस्सा भी आता है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना, शादी को चलाना, उसको इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपना गुस्से को कंट्रोल रखें. मैं आपकी बात इसलिए नहीं मानूंगा, ये आपने नहीं किया, ये आपकी अम्मी की तरबियत देखी है. जी बिल्कुल. बेशक आपने उनका गुस्सा नहीं देखा, लेकिन आपकी अम्मी बहुत प्यारी है, उनकी तरबियत है सारी. माँ की तरबियत जो होती है ना वो औलाद को बदल दे. उस दिन जाहिर है कि आपकी बरादर मोहतरम साहब तशरीफ लाए थे, तो बड़ा मजा आया था मुझे. बिल्कुल, वो मुझे मिले ही पहली मरतबा इस तरह से शो में, हम तो पहले मिल चुके कई मरतबा. तो जब वो आए तो मैं जी दोनों में मैंने एक चीज़ पहचानी, दोनों में आप दो. उस दिन मैंने मुआवजा किया ना, पहले मैंने नहीं किया था. उस दिन मैंने मुआवजा किया कि मोमल और भाई में दोनों में एक चीज़ कदर मुश्तरक है, और वो ये है कि अम्मी नजर आ रही है दोनों में. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अम्मी जान को भी बहुत बहुत सलाम. आप हमारी भाभी है, लेकिन आपको भाभी की हैसियत से सलाम, इनकी अम्मी जान की हैसियत से सलाम. आप एक अजीब खातून हैं, आप एक बड़ी खातून हैं, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ये आज पहली मरतबा नहीं कह रहा कि कोई सामने आ जाइए तो कह रहा हूँ, मैं पीछे भी कहता हूँ, मैं शेख साहब के सामने भी कहता हूँ, मैंने बेरोज़ के सामने भी कही, मैं हमेशा कहूँगा कि जो जीनत भाभी हैं उन जैसा कोई भी नहीं. कोई भी. अच्छा, अब जरा हम आपके दूसरे मेहमान को साथ जो आपके बुलाए. बिल्कुल, मैं तो क्योंकि अगर हम उसको नहीं बुलाएंगे, अगर हम उसको नहीं बुलाएंगे वो हमारा किचन खा जाएगा पूरा. किचन खा जाएगा बाकी उसको, हाँ वो सब कुछ खाए, सब बर्बाद कर देंगे. वहाँ पर हर चीज गिरा दी है, फ्राइंग पैन नीचे फेंक दिया है, उधर गेम्स खेल रहा है छुरियों के साथ, छुरियों के साथ खेल रहा है, खेल खेल रहा है, छुरियां मार रहा है अपने. अजीब कोई कैफियत में उसको बुलाना पड़ेगा, नहीं बुलाया तो या तो छुरी मारते मारते यहाँ मार लेगा कुछ, कहें मुझे बुलाओ किसी भी तरह बुलाओ, किसी को हम बुला रहे हैं. आज हमारे मेहमान जो एक ऐसे नौजवान सुपरस्टार हैं जिन्हें शोबिज़ में कदम रखे हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात है कि अब इनका सफ़े अव्वल के अदाकारों में शुमार होता है. यंग जनरेशन में बहुत मकबूल है, बेंजा मकबूल है, और करियर का आगाज़ उन्होंने मॉडलिंग से किया, उसके बाद कई कमर्शियल्स में जलवागर हुए, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर इनके करियर का आगाज 2013 में हुआ. बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में इन्होंने काम किया, फन की झलक दिखा चुके हैं, लेकिन कैसा है नसीबा, उसमें मनफी किरदार उन्होंने ऐसा अदा किया कि मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता, और कोई मुझे ये कहते हुए झिझक महसूस नहीं हो रही कि ये फन की बुलंदियों पर नजर आए. इसके अलावा खातून मंजिल, जुदाई, बांदी और करार, ये शुमार भी इनका इनके जितने ड्रामे. हमारे ड्रामे का नाम नहीं लिया आपने, अधेर और मुनीब का. अभी देंगे, अभी देंगे, अभी देंगे. फिर तीन ड्रामे में आता है, दो फिल्मों में जलवागर हो चुके हैं, वक्त के साथ साथ इनके काम में निखार आता जा रहा है. रोमांटिक किरदार हो या मजाहिया, मुस्बत किरदार हो या मनफी, कोई भी किरदार हो, ये चार कैटेगरीज होती हैं किरदारों की, और एक और कैटेगरी होती है जिसको हम नहीं जानते, नहीं मानते, ना समझ पाते,
वो होता है कैरेक्टर एक्टर, जिसको लोग भुला दिए, लोग भूल गए। दुनिया में सबसे बड़ा अदाकार होता ही वो है जो कैरेक्टर एक्टर अच्छी तरह से अदा कर सके। और अब चूंकि लोग चाहे बरसगीर पाक में कोई बूढ़ा होना ही नहीं चाहता मुझ समेत, आपने आपको वैसे दिया, इसलिए हर आदमी हीरो बना रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत पीछे आना पड़ता है। अभी मैंने ड्रामा किया बस करो ना, उसमें कवि साहब के साथ, लेकिन उसमें हीरो नहीं बना। हाँ, मैंने उसमें अपना जो किरदार किया वो आपको ईद पर आप देख ही लेंगे इंशाल्लाह। तो हर कैरेक्टर खूबसूरती से अदा कर लेते हैं, और जो मुमल के साथ किया उसका जिक्र हम जब ये दोनों आ जाएंगे तो करेंगे। भरपूर तालियों के साथ वेलकम कीजिएगा इनको, इनका भी मैं काफिया बना लूं। जो आ रहे हैं वो है बहुत शोख चंचल, वो है बहुत शोख चंचल, नटखट शोख चंचल नटखट जहाँ पर भी होते हैं वहाँ होती है खटपट लेकिन काम कर लेते हैं झटपट इसलिए उनको हम कहते हैं बट लेकिन मुनीब बट तशीफ लाते मुनीब बट। अम्मी बेचारी को कितना सदमा पहुंचता है, मेरे बच्चे की चोट लग गई है। खतरों के तो खिलाड़ी है ना फिर बचपन से, वो तो मैं हूँ, हम भी हैं, मैं खतरों के भी खिलाड़ी हूँ। बस ये याद रखना, मुकाबला तब बराबर होगा जब तुम्हारे मेरे मीम्स ज्यादा बनना शुरू होंगे एक साथ। नहीं, उस मुकाबले में आपकी जीत है। उस मुकाबले में आपको मेरी ये समझ में नहीं आता, किंग कॉन्ग मेरे पीछे भाग रहा है। मैं तो भाग ही रहा हूँ, मैं ऐसे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे किंग कॉन्ग भाग रहा है, एवेंजर्स भाग रहे मेरे पीछे, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन भाग रहे, मेरे पीछे जंगल का भेड़िया भाग रहा है, मेरे पीछे ग्रीस भाग रहा है, और आखिर में मैं भाग भाग के गोल्डन गेट पे खड़ा हो जाता हूँ। यार थक गया यार, मैं यार क्या बोला, मीम से बुरा नहीं मानता, बिल्कुल आप बनाए आपको जितनी भी जो भी आप उसमें बनाना चाहते हैं, बेहूदगी नहीं होनी चाहिए। जितना मजाक उड़ाया मजाक करें, आप मजाक भी उड़ाएं, आप उड़ा ही रहे, करता तो कोई भी नहीं है। जो करते थे आज उनकी बरसी है, जो उड़ाते हैं वो आज उड़ जाएंगे, लेकिन जो करते थे आज उनकी बरसी है, वही अख्तर साहब। क्या मजाक करते थे बहुत सारे, वो तारे गजीज साहब को बुला के देखती आंखों सुनते बहुत सी बातें करके, उसके बाद तारे गजीज साहब के लिए ऐसे जुमले कहते थे कि तारे गजीज गले लगा कर उनको जाते, मोइन अख्तर जैसा कोई पैदा हो नहीं सकता। इतना भाग भाग के थक गया यार। अब हुआ क्या, मैं आपको वाकया बता देता हूँ, चूंकि आप थे नहीं, ये जगह थी इतनी छोटी, 20 मीटर की दौड़ थी ना। तो हुआ ये कि अब वो नसीम हमीद आई हुई थी जी, वो नसीम हमीद जो पाकिस्तान की 100 मीटर में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तो आई, मैंने कहा हम भी रेस लगा के देखते हैं। अच्छा, वो इसे भी कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बिल्कुल 18 घंटे ट्रांसमिशन करता हूँ, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। मैंने रेस लगाई, वहाँ तक गया, मैं वहाँ तक जीत गया था। उधर से मैं वापस आया तो मेरे दिल में चीटिंग का ख्याल आया। अच्छा, गंदा काम किया ना, मैंने चीटिंग का ख्याल आया। मैंने कहा मैं थोड़ी सी धक्का मार के गिरा दूंगा, मैं जीत जाऊँगा। मैं क्या कि धक्का मारता, मैं खुद गिर गया। जैसे मैं गिरा तो किसी ने वो गिरते में बताया कि मैं पिसलता बहुत आगे तक चला गया, किसी ने बनाया ओ अल्लाह ओ ओमाइटी, मैं सजदा कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, मेरा भाग रहा, मुसीबत बना दिया तुम लोगों ने यार। सबसे ज्यादा मुझे जो लुत्फ और मजा है वो ये है कि मैं बैल लेके भाग रहा हूँ और मेरे पीछे किंग कॉन्ग भाग रहा है मेरे पीछे। आप सोचो, तो अब आप लोग बताइए कि क्या सोच कर आए कसौटी में, क्या पूछेंगे, क्या है, क्या करना है। तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पर्सनालिटी के बारे में पूछेंगे ना, पर्सनालिटी के बारे में पहले मुहावरा पूछे, कोई मुहावरा, थोड़ा डॉक्टर साहब को थोड़ा टफ कंपटीशन देना चाहिए, टफ कंपटीशन देना चाहिए मुनीब आज थोड़ा टफ कंपटीशन दे। बट मुझे ना हमेशा आसान दिए है। हां शुरू नहीं तो मुनीब भी है ना, कोई सुने नहीं। हां
सजा तो नहीं, आवाज तो नहीं आई ना, आवाज आपको तो नहीं आई, मुझे आई नहीं। अच्छा तो हम आपको बताएं कि वो क्या है, हम आपको क्या किस तरह बताता हूँ। या आपके पास 20 इशारे हैं, इसको यूं कर दो बेटा सीधा, हाँ ताकि भी देख। अच्छा आपने गैस करना है? हाँ मैंने गैस करना। अरे तो आप वो तो हम लिखे ना पहले, वो तो हम बहुत इजीली करा लेंगे। हाँ? इसको पता है क्या है, तुमने इसकी टांगे दबा दी, खोलो। पर्सनालिटी इसकी टांगे आगे ले जाओ, ये वाली आगे वाली फिर दबा दी, आगे खोल दी। हाँ भैया चलो ठीक है। अच्छा भाई मुहावरा है, शख्सियत, मकाम, हादसा, वाकया। तो मुहावरा तो है ही नहीं इसमें, मुहावरा नहीं, मुहावरा नहीं है तो खाने पे कर लेते हैं। खाने की बिल्कुल एक ऐसी डिश बता दें, खाना बहुत मुश्किल एक खाना मेरे पास है दिमाग में, था भी किचन में ही अभी थोड़ी देर पहले। हाँ तो इसके दिमाग में ही खाना मैं देख रहा हूँ, क्या चले खाने से शुरू करते हैं, हर चीज देख रहे। किचन में एक एक चीज देखी है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, बर्तन कौन कौन से, वहाँ पर भी पीछे किया है उधर देखने के लिए, और हर जगह पर खड़ो किसने मोबाइल से वीडियो बनाई। पहला सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, ये खाना जो आप पूछने जा रहे हैं दोनों, ये बरे सगीर में खाया जाता है जी? सगीर में खाया जाता है, बरे सगीर में, बरे सगीर में खसूसी तौर पर हिंदुस्तान में खाया जाता है या पाकिस्तान? सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान, हटाओ पाकिस्तान। ये तो दो सवाल हो गए ना, हिंदुस्तान में खाया जाता है या पाकिस्तान? नहीं एक है, एक है, इसमें आपने एक ही बताया, उन्होंने ऑप्शन पूछा। चलो एक कर ले, एक कर ले, क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, ए एंड बी। पाकिस्तान में खाया जाता है, पाकिस्तान खाया जाता है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में खाया जाता है तो ये ओरिजिनल पाकिस्तानी खाना है या कहीं से आया है पाकिस्तान? नहीं ये तो आपने पूरा सवाल पूछ लिया, ये सवाल है, ये तो पूरी आपने सवाल ही है, हां या ना हमें बताया, हां ना, हां हां या ना हमें पूछ ली, हां या ना हमें बता दें कि ओरिजिनल पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी ही रेसिपी है या कहीं से आकर पाकिस्तान? नहीं नहीं पाकिस्तान, जी पाकिस्तान की अपनी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बनी है हमेशा, ये सवाल नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूं, जी 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 पाकिस्तान में। एक और निकाल, एक और है, एक और है, बहुत मुश्किल है ये बोलना कैसे। आपने हाँ या ना, हम तो हाँ या ना बोलेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये आपको बता, आप पहले पूछे सालन है फिर हम यहाँ हाँ या ना बोलेंगे, फिर आप बोले सालन है सूखा में तो कोई मसला नहीं है ना, ये एक ही चीज है। नहीं नहीं हमारे रूल्स, हमारा गेम, चलो सालन है नहीं तो सूखा है, मिक्स है नहीं, ये फिर आप दोनों गलत हैं, फिर आप दोनों मेरे फैसला करें। नहीं क्योंकि नहीं, 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 कुछ लोग सालन की तरह खाते हैं, कुछ लोग सूखा खाते हैं। हाँ तो फिर सालन और सूखा दोनों हुए ना, मैंने ये तो बोला। हाँ तो फिर उसको बोल देते ना तुम चुप रहो। अच्छा सॉरी सूखा निकालो भाई, अगर सूखा खाते हैं तो चावलों के साथ खाते हैं? नहीं बहुत मुश्किल है और साहब, अगर सूखे खाते तो ऐसे ही खा लीजिए जी, हटाओ भाई। मीठा नहीं है ये? नहीं हटाओ। मैं देख रही हूँ कितनी कोऑर्डिनेशन में चल रहा है लड़का। सोचे सोचे और सवाल पूछे। हाँ पूछूंगा, बहुत टाइम है मेरे पास, पूछे। टाइम भी है और क्वेश्चंस भी बहुत। नहीं टाइम भी है, टाइम भी है, टाइम भी है। देख में बनता है घर में अगर बनाएंगे तो आप पतीले में भी बन जाएगा, वैसे देख में भी बन सकता है। घर में बनाएंगे तो पतीले में जाएगा, देख में। इसमें खोटा लगता है। जी लगता है। हलीम। गलत। गलत। आपका ये आंसर है? हाँ दे दिया। आंसर दे दिया। दे दिया। आंसर दे दिया। नहीं नहीं दे दिया। जब तक इशारे मुकम्मल नहीं। अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद आप पकड़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है, हलीम पे दो निकाल ले। निकाल दो भाई, निकाले इट्स नॉट अ लीम। निकाल दो, घोटा लगता है इसमें। आपके सामने एक पंजाबी बट बैठा हुआ है तो आप, मैंने उस इशारा दे दिया, आप उस तरफ निकले। आप उधर जा,
आप ईस्ट की तरफ निकले, जनूब की तरफ जाएं आप. आपको पता है? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिश यार. तुम कह रहे हो कि ये 8 क्वेश्चंस में भी नहीं कर पाएंगे. ये 8 क्या, इसमें और 10 कर लो, उसमें भी नहीं. नहीं नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. कराची में बहुत कम लोग. अच्छा अच्छा, बाद में बात करते हैं. कराची में तुम्हें पता है बहुत कम लोग खाते. भाई आप कराची से? आप इसमें पूछ सकते हैं और के छोटे गोश्त में बनता है, बड़े में बनता है. नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ थोड़ा बहुत. ये छोटे गोश्त भी बन सकते हैं, बड़े गोश्त में. नहीं नहीं नहीं, एक और निकालो. गलत गलत, नहीं बन सकता भाई. बड़े गोश्त में नहीं बनता, छोटे में बनता है. बन भी सकता है, डाल तो मजाक कर रहा था. अच्छा, जैसे हम किसी को आप कहते हैं कि तुम बहुत, तुम्हारे अंदर लालच है, हिर्स है, तो हिर्स इसके अंदर मौजूद है. पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे सवाल. मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि तुम बहुत लालची हो, हरीस हो, हरीस, हिर्स, हिर्स. हिर्स. मतलब किसी से किसी चीज की बहुत लालच है, लालच हिर्स होती है. इसके अंदर हिर्स मौजूद है. जी जी, इसमें मौजूद है हिर्स. तुम्हें समझ में आया नहीं आया बताओ. He got it right, man. He got it. I told you. Harisha. Obviously, well, Harisha. Yeah. Harisha. It was a difficult one. मुश्किल था. It wasn't that easy. But मैं कह रही हूँ, ये बात बता दूँ, ये बात बिल्कुल सही है. Knowledge. जो कह रहे हैं, ये बहुत मुश्किल सवाल था. और ये सिर्फ पंजाब साइड में खाया जाता है, कराची में या सिंध में नहीं खाया जाता. और इतना लजीज होता है, इसमें घोटा भी लगता है. और ये बड़े छोटे गोश्त दोनों का बन सकता है. रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं. लेकिन ये पाकिस्तान की स्पेशल डिश है, पाकिस्तान में ही तैयार हुई है. लेकिन ये मुस्तार ली गई थी अरब से, सरीद से. लेकिन सरीद जो है वो चूँकि रोटियों को मिला के बनता है, इसमें रोटियाँ डलती हैं, इसमें दालें वगैरह डलती हैं, इसे इसको हरीसा कहा जाता है. हरीसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको खाने के लिए लोग बहुत हरीस में आ जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं जब ये बहुत मजे का, बहुत मजे का, बहुत लजीज होता है. और अम्माएं जब घर में बनाती हैं तो फिर तो बहुत ही मजेदार होता है हरीसा. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. जीवे पाकिस्तान 2.0. पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. और अब मुनीब भट्ट और हुमल, ये दोनों एक नए मुकाबले की तरफ बढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले मुनीब भट्ट को एक दो बातें जरा हम कर लेते हैं. चंद माह कबल आपने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के सवाल के जवाब दिए थे. एक फैन ने आपसे पूछा कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, तो आपने उनको जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पसंदीदा शख्सियत आमिर लियाकत हुसैन. ये क्यों कहा था? जी बिल्कुल, बिकॉज आप शायद ये बात पता नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपका मैंने शो देखा, फॉलो किया जब आप दूसरे चैनल्स पे भी थे. सो हम जब भी इफ्तार ख़त्म करते थे तो हम टीवी देखते थे, तो हम आपका शो देखते थे. और ये मैं कहते हुए इसमें शर्म महसूस नहीं करता कि मैं बड़ा हुआ हूँ आपका शो देखते हुए. काफ़ी टाइम से मैं आपका शो देखता था. जब आप आलिम ऑनलाइन करते थे तब भी मैं आप दीनी मसाइल के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रहनुमाई, और हमारी हम पूरी फैमिली भी, मेरी वालदा, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस्लाम और दीनी जो बातें होती हैं उनको हम बहुत ज़्यादा लाइक करते, तो हम आपका शो देखते थे. तो इस वजह से मैंने कहा. आपकी अम्मी को मेरा बहुत सलाम, और बहुत अदब के साथ सलाम. आप, मैं बहुत अदब के साथ आपको सलाम करूँ अगर आप मुझे देख रही हैं. यकीनन ये माँ की दुआएं होती हैं, आपने ही ऐसी तरबियत की होगी. और मुनीब आपका बच्चा जो जब से हमारे पास आया है ये जाहिर कर रहा है कि इसकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है. तो आपको बहुत बहुत सलाम तहसीन में पेश करता हूँ. वैसे एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये
कि किसी को बुड्ढा साबित करने का कि हम क्या करें, हम तो बचपन से नहीं नहीं मैं वैसे बहुत यार, मैं खुद इतना एज नहीं हूं, अभी अभी जवान हूं, अभी अभी 2 साल हुए मेरी शेव आई है, वरना पहले तो मैं यहां पे एक्सटेंशन लगा था। मैं ही पूछ 10 साल पहले इनका मैंने निकाह में मिलाद पढ़ाया, सोच लो 10 साल इस बात को हो गए, 10 साल से मैं वैसे ही हूं, आप देख लें। आज भी याद है मुझे कि इनके यहाँ मिलाद हुआ था, हनीफ राजपूत का इंतजाम था, बेहतरीन किस्म के तिक्के मिले थे उनके साथ, वो जो पहले जमाने में अपन की अभी भी होती कचौरियाँ, कचौरियों के साथ तरकारी, अब्बू को बहुत पसंद है ना, वो वही खाया जा रहा था, वो आज भी वही खाया जा रहा था, उसे कह रहा हूँ मैं कि भाई थोड़ा सा ऐसा जाके गोला कबाब खा लो, नहीं मैं तरकारी खाऊंगा। अच्छा नहीं, मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, तुम कितने साल के थे जब तुमने आमिर भाई का शो देखना शुरू किया, और अब तुम कितने साल थे, क्या मतलब है भाई, थे उस वक्त और अब कितने साल के हो? 21-22 साल का था उस वक्त, अब तुम कितने साल के, 22-29 रमजान ट्रांसमिशन कर सकते हो गए तो 9 साल इसके देखते हैं, 22 साल, 22वां साल है मेरा, और 22 सालों में मैंने कितने तूफानों का मुकाबला किया, क्या कुछ नहीं मुझे कहा गया और क्या कुछ नहीं मैंने किया है। देखिए चीजों को सीखा जाता है, मैं आपको बताऊं, आप आदमी गलतियां भी करते हैं, आदमी से गलतियां भी होती हैं, लेकिन जहां दीन का मामला होता है, जब जब उस तरफ हम होते हैं, यानी सहर और रमजान की इफ्तार की ट्रांसमिशन में, उधर आमिर लियाकत कुछ और होता है, उधर आमिर लियाकत के पास नॉलेज होती है, उसकी नॉलेज को चैलेंज नहीं कर सकता, वो पढ़ कर आता है, इधर आमिर लियाकत अपने उन लोगों के साथ, उस बिरादरी के साथ जिस पर हर आदमी तनकीद करता है और उन पर उंगली उठाता है, उसके साथ इसलिए यहाँ बैठता है ताकि ये बता सके ये लोग ना हो तो आपके घरों में मुस्कुराहटे कौन बिखेरे, कौन आपके घरों के, अगर गूगल के रोने धोने वाला किरदार ना करे तो उस घर में बैठी हुई वो शहनाज जिसके साथ वही सलूक हो रहा है वो कैसे ना बताए कि मेरे साथ भी यही हो रहा था। और इसी तरह अगर मुनीब कोई बहुत ही खलंडरा सा नौजवान भाई, एक प्रोजेक्ट किया था नेगेटिव, और उसके बाद खलंडरा क्या होता है, खलंडरा होते हैं शरारती, अगर खलंडरा है ना, खलंडरा भी पता है, जब तुम हमसे हरीसा पूछ सकते हो तुम भी खलंडरा पूछ सकते हो, खलंडरा नौजवान जब तक घर में दाखिल ना हो तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसी माँ का कोई आँख का तारा भी हो जो शरारती भी है और माँ उसको लपेट लेती है अपने सीने से। बात सिर्फ इतनी है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम सब अपने अपने जगह पर रहते हुए फनकारी कर रहे हैं, अदाकारी। अब मुनीब अगर मुझसे बात कर रहे हैं या मुमर मुझसे बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत रवैया है जब हम कहते हैं कि हम तो संजीदा हैं, हम तो अदाकारी करते हैं। हम जैसे ही घर में बैठोगे मुमर से, शेख साहब बात करोगे, अभी कैसी उमर, ठीक हो सही है, जैसे मैं, अरे डॉक्टर साहब आप आए, आइए आइए, ये क्या कर रहे हैं, क्या आप अदाकारी कर रहे हैं, ये अदाकारी है, ये खुदा ने आपकी गुट्ठी में डाली है कि जब आप किसी से मिले तो आपका एकदम रवैया बदल जाए, तब्दील हो जाए, घर वालों के लिए कुछ और है, अपने लिए कुछ और, बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ ये इज्जत में और तकरीब में, इसको भी अदाकारी कहते हैं, ये भी फनकारी, हर आदमी फनकार है, हर आदमी अदाकार है, इसको कभी भी बुरा नहीं समझना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि मैं एक जगह गुफ्तगू कर रहा था अमेरिका में, वहाँ पर ये था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप रो कैसे लेते हैं दुआ में, अजीब सा सवाल था, मैंने कहा जी मैं तो रोऊं या ना रोऊं से छोड़ दीजिए, खुदा ने ये कहा है अगर तुम्हें रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो, वाह वाह, तुम्हें रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना, अल्लाह ताला खुद चाहता है कि तुम अपने आप को कम से कम वैसा बना कर तो दिखाओ जैसा, तो इसलिए किसी पर तनकीद मत किया करें, आपको क्या पता मुमल अपने दिन में या अपने महीने में या अपने साल में कितना सदका करती हूँ, आपको क्या पता मुनीब किसकी मदद करता हो, किसका ख्याल रखता हो, किसी को ऐसी बुरा कह देने से कोई बुरा नहीं हो जाता। अल्लाह ताला आपकी बात इंटरप्ट करूंगा, कंस्ट्रक्टिव जो भी क्रिटिसिज्म होता है वो तो बड़ा फायदेमंद होता है, अगर कोई भी अगर आप कुछ ऐसी चीज क्रिटिसाइज करके किसी की भलाई के लिए या किसी की बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको तो हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे होते हैं जिसमें आप भलाई नहीं कर रहे होते, आप क्रिटिसिज्म के साथ साथ उनके घर वालों को गाली देते हो, लोग शुगर लगाते हैं, घर के अंदर तक पहुंच जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, इनका ताल्लुक भी नहीं है उस चीज से। सबसे आसान तरीका ये होता है प्रोफाइल खोले ब्लॉक, इस हफ्ते में मैंने इतने लोगों को यार, मेरे ख्याल है हम दोनों शायद एक ही जैसी, उफ 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 आ हम दोनों इसी तरह ब्लॉक, मैंने ट्विटर पर 7,000 लोग ब्लॉक किए,
7,000 तो ब्लॉक करने का बहुत सी बात है। आइए मुनीब भाई, फिर आप आइएगा, फिर मैं गन जला लेती है ना जी, कोशिश करेंगे भाग के गुब्बारे लेकर आने। अच्छा आप लोड गुब्बारे आपके, कोई भी मुझे छोड़ देना, बोतलें मेरी है। सही है, मेरा कलर कौन सा है, विच वन इज माय कलर, येलो? कोई सा भी कलर, आपका कलर, इनका कलर है भाई कोई, चल ग्रीन 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 ग्रीन, ये वाला जो येलो वाला है इसको देखो, दो ग्रीन है, ये दोनों ग्रीन ही है, बता दो सीधे। अच्छा कौन सा ग्रीन, हल्का ग्रीन, सी ग्रीन, ये येलो वाला, ओके ओके, वाह वाह। ये लीजिए, ये आपसे सवाल पूछेगी। अच्छा सवाल है, हाँ हाँ, नहीं नहीं सिर्फ ये नहीं है कि ये बुक खेलते हैं ना, आप बंद करके इनके लिए तैयार रखें। अच्छा ये लोड हो जाएगी, फिर मैं इसको बंद करके तुम्हें, इट्स लोडेड, पकड़ो इसको। आप भी पूछिए, आप भी जी, मैं पूछूं, हाँ, उल्टी ABCD सुनाए, उल्टी वापस ला निशान, वापस लाओ, फिर से छर्रा वापस डालो, शुरू हुआ है, जेड चले, वाई एक्स W U है क्या हो गया, U V W W V U T S जितना पीछे आते हैं ये करीब, U P O, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ गाइस, आप सही जा सही जा सही, K I H जे था, जे भूल गया, एल एल भूल गया, एन एन भूल गया, वो भी आया है इधर, जे भी रुक गया, डी सी बी ए बस, जी नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलिए आइए आइए, आपको हाफ पॉइंट्स मिलते हैं, ये लीजिए, जी नहीं आपको पूरे, इनको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं इनको हाफ, सही है, बिल्कुल सही बोला, क्यों अच्छा लग रहा है, अच्छा कोशिश करेंगे, कोशिश, मम्मी, अरे 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 बाबा चला मत ना, अरे मोमेंट लोडेड है, लोडेड है, लोडेड है, लोडेड है, लोडेड है भाई, मोमेंट झटका तो नहीं, इधर नहीं करो भाई, उधर रखो, उधर रखो, नीचे नीचे कर, नीचे कर, ओके गो, मैंने किया नहीं, इसका जो वो है ना स्टॉक पीछे का, उसको यहाँ इधर से सेट करो, और आप इनको निशाना, जितना तुम सच इसको, आप बसंती फैमिली इसको होल्ड करो, आप बसंती को निशाना लगाना सिखाए, नहीं मैं एक और दफा कर, तो बोतल से गोली मारे भाई, ये बंदूक से गोली नहीं, आंखों से गोली, ये यहाँ सुनो, यहाँ इसको ऐसे सेट, दरमियान यहीं से देखा था मैंने, दरमियान यहाँ से जाओ, ये 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 मोमन, ऊपर की लाइट नहीं तोड़ देना, रोटी आई गई, लॉक कर, ट्राई करने कुछ नहीं जा, चलो पास में जाएगा, ये पकड़ा, हाँ ऐसे, ये जगह, ये दरमियान, वहाँ पे उधर से, नहीं नहीं उसे उसे लाल रंग को मिलाना है, एक लाल रंग का नजर आ रहा है, लाल आ रहा है नजर, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा लाल, ये लाल है, ये लाल है, बिल्कुल इसको इसे मिलाने, फिर निशान लगा, वाह अरे वाह, ओ वाह 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 वाह, मुनीब भाई जी, जी जी डॉक्टर साहब, सवाल करें आप सर, मेकअप में इस्तेमाल होने वाली 10 चीजों के नाम बताएं, लड़कियों से पूछ रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, ब्लश ऑन, लाइनर, मस्कारा, आयशा बलोच, आई शेड्स, ग्लिटर, यार लिपस्टिक जो सबसे बेसिक, लिपस्टिक एंड एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम एंड मेकअप नहीं होता, एंड द ग्लो वाला, एंड गाइस द शिमर, द शिमर, द शिमर, ओके मुनीब भाई, मुनीब भाई
सुनो ये पॉइंट मेरा हुआ है, ये मेरा नहीं हो गए, पूरे हो गए 10 मिनट। हां बैठ जा मुनीम, 0 है। हां 0 है। क्या बात है, क्या ये तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब तो नहीं है कहीं? यार रवि बता तो रहा था स्कूल में कितनी बार फेल हुए हो? जल्दी से बताओ यार। स्कूल में मैं एक बड़ा मजे का बात करूं, आंटी को फोन पे ले लूंगी। नहीं मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। अच्छा 2009-8 में क्या हुआ था कि 9 मैट्रिक के पेपर्स उन्होंने कहा था एक साथ होंगे, तो वो लॉ पास नहीं हुआ था, तो हमें पता था कि ये ऐसे ही बस बोल रहे हैं होगा नहीं, तो मैंने 9 पेपर की कोई तैयारी नहीं की और मुझसे 9 पेपर्स लिए गए, मतलब 9 सब्जेक्ट्स के पेपर हुए और जिसमें से 4 में मैं पूरे पेपर में सो रहा था, तो मैंने 4 पेपर में बिल्कुल सोता रहा, तो 9 में से मैं 4 में फेल था प्रीलिम्स में जो स्कूल के होते हैं। स्कूल में कितनी बार फेल हो गया ना बच्चा, हो गया ना, 9th में फेल हुआ था 4 दफा ये प्रीलिम्स, लेकिन बोर्ड में पास हो गया। हां बोर्ड में पास, बोर्ड में आई गॉट A+ 85 डिग्री, A+ बोर्ड में मैं भी था 85+। और उसके बाद मेडिकल लिया या प्री इंजीनियरिंग? नहीं प्री इंजीनियरिंग लिया था, लेकिन उसमें भी फर्स्ट ईयर में मेरी एक सप्ली आई थी, लेकिन मैं प्री मेडिकल में था, मेरी थर्ड ईयर। आप कितनी दफा फेल? मैं बताता हूं, मैं स्कूल में कभी फेल नहीं हुआ। मैं मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी में मेरी सप्ली नहीं थी, सप्ली आई। मुझे लगता है जिसके इंसान की सप्ली, जो इंसान नाकाम नहीं होता ना, उसको कामयाबी की असल जो कीमत होती है वो पता नहीं चलती है। और जब मुझे अब्बू मार रहे होते तो मैं अब्बू को यही बोलता था कि अब्बू प्लीज जस्ट इससे मेरा प्रोसेस, ये मेरी जिंदगी के लिए मेरा फायदा। मजे की बात है मुनीब के पास हर बात का जवाब है, इसलिए कि मुनीब मुनीब है, कि मुनीब मुनीब है, रुके रुके मुनीब, अगर मुनीब अगर पंजाब की जात के वाले से बट हो जाए तो भी बट है, लेकिन मुनीब मुनीब की जिंदगी में बट नहीं है, बट नहीं है, नो इट्स एंड नो बट। थैंक यू, मेरी बारी। आज अब तो आगे है, मुझे कर दो, नोट कर दी। थैंक यू। नहीं मारी मैं तो अगर आप मोमल एक दिन के लिए गायब हो जाएं तो सबसे पहले क्या काम करेंगी? गायब हो जाऊंगी तो क्या काम करूंगी? मतलब मिस्टर पाकिस्तान हो जाओ अगर तुम, मिसेस पाकिस्तान, कुछ हेल्प ही करूंगी किसी तरह। अब ये तो देखो बात है, सच बात बताओ, देखो इस तरह की बातें नहीं करूंगी, पाकिस्तान की खिदमत करूंगी, मुल्क का फायदा करूंगी, मैं किसी पुरानी जगह से जाऊंगी जहां गरीब लोग रहेंगे, उनके पास। ये सब बातें हो गई, ये सब हो गई, बट ये मैं करूंगी, वो करेंगे, ठीक है, लेकिन आज बताओ गायब हो गई तो फिर गायब होके नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत डिप्रेशन होगा, मुझे गायब होके अपने अब्बा की जानकारी करेगी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे पूछना अब ये दो बोतलें हैं जिंदगी में, है तो 4, ये दो बोतलें मैंने निशान लगा दी, एक बोतल आपकी एक बोतल आपकी, मतलब एक एक में आपने पूछना है मुझसे, एक आपने पूछना, ठीक ठीक है, डन। तो हम उधर जाएंगे ना बोतल लेने, नहीं मैं क्वेश्चन उस पर से लेंगे। अच्छा कर लिया लगी लग गया जी, लग गया। मोमल को ये बेंच बेच कर, मोमल को ये बेंच बेच कर दिखाएं। अच्छा अरे बेंच मैं बता, मोमल को आप इधर आ जाइए, मोमल प्लीज, नहीं आप वहीं बैठे, इनको ये बेंच बेच जी जी बैठ। हाँ कितने की है मोमल? देखिए ये जो बेंच है जी, अच्छा माशाल्लाह आप टीवी में आती है ना जी, आप टीवी में आती है ना? हाँ शायद, एक सेल्फी ले लो हमसे, नहीं या करोना, अच्छा अच्छा करोना, आ दूर से ले लूंगा जी, दूर से ले, दूर से ले, दूर से ले। हाँ अच्छा आप ये क्यों बेंच लेना चाहती हैं?
मैं हमारे पास भी अच्छी अच्छी बेंचेस हैं। नहीं मुझे ये चाहिए है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, मैं सोच रही हूँ कि ये हम आपके लिए इससे पहले हमारे यहाँ से नीलम मुनि ले जा चुके बेंच। अच्छा हाँ। तो मैं भी ले लूँ, उन्होंने लिया है। मैं बता रहा हूँ अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे यूनिक पीस चाहिए। यूनिक पीस चाहिए हाँ। इस पर आपके वालिद 1960 में बैठे थे इस बेंच पे। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप लेना चाहें तो इसमें ये आपके वालिद ने यहाँ पे बैठ कर जो है वो आपके लिए बड़ी दुआएं की है बेंच पर। दुआएं की है तब अब ये आप बात ही आपने इमोशनल पे खत्म कर दी। कहा था मेरी एक बेटी है, अल्लाह ताला उसे बहुत तरक्की दे। आमीन। वो उस दिन बहुत रो रहे थे, किसी वजह से आए हुए थे हमारी दुकान। अच्छा। गाड़ी खराब हो गई थी नर्सरी बोल की। अच्छा, कौन सी गाड़ी, कौन सी कलर गाड़ी की थी? बड़ी वाली सफेद रंग की थी, आगे नीली बत्तियां थी। अच्छा, नीली थी वो टूट गई बत्तियां। अच्छा, नीली बत्तियां टूट गई। उसके बाद हमने उनको अपनी दुकान में बुलाया, चाय चरक पीते, वो चरक चरक पी उन्होंने। चरक पीने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे और यस यस बहुत करते रहे। यस यस यस, आप तो जानते हैं मेरे हां जानते हो उसी दिन, तो आप छोटी थी जमाने में। वो कह रहे थे कि मेरी एक बेटी है, आप जरा दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसे नसीब अच्छा करे। हमने कहा दुआ करें, तो तब से हमने ये बेंच यहीं पे रखी है, जब इनके घर का कोई खानदान का आदमी नीलम को क्यों बेची अगर मेरा बाप दुआएं मांग रहा है। गुड वन, गुड वन, गुड वन। नहीं नहीं, इस जैसी बेची थी ये वाली, तो आपने वहां नहीं थी। अच्छा, इस जैसी थी, वही तो नहीं दे दी आपने? अच्छा अच्छा, ये बाप से जज्बाती वापस ले सकती आप, ले ले आप, ये बाप से हम आपको सिर्फ 5,000 रुपए दे देंगे। 5,000 रुपए? बाप पैसे भी लेंगे क्या? नहीं नहीं, पैसे भी लेंगे आप? बाप बैठा था ना, बाप बाप भी मैं पिक्चर खींच लेती हूँ ना। इंस्टाग्राम पे शाउट आउट दे दो। बाप की साइड पे बैठा था तो मुझको इंस्टाग्राम पे शाउट आउट दे दूंगी। नहीं शाउट आउट नहीं, आप 5,000, आप 3,000 में ले। 3,000? बट 3,000 है, बट काहे को देगा 3,000 दे दे। दे दूं? हां मेरे पास दे दे, दे दे बाजी आपकी हो जाए। मैं चले भाई, आखिरी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ओ हां भैया, ये वो मैं आखिरी वाली बोतल थे। कोई भी गाना उस वक्त तक गाना गुनगुनाए जब तक उसे कोई पहचान ना ले। जब तक कोई पहचान ना ले वो गाना आपने उस वक्त तक गाना है गुनगुनाना है। गुनगुनाना है, ये क्या बात है? लाला करके आमिर भाई, क्या है ये? ले क्या लाला करके, हाँ बट आप भी, आप लोग भी पूछ सकते हैं। लेकिन लाला नना लाला नना ना लाला नना लाला ना जी नहीं साजिश नहीं आपने बताया। काश ऐसा
इशारों में तो मैं भी सुना था। देख भी ऐसे नहीं दोनों। ये वो भिखारी आ रहा है दोनों ऐसे खास तौर पर। ये भाई ये कौन सा गाना है, ये कौन सा गाना है, ये बचपन बड़ा मुश्किल। आप थोड़ा सा इधर आ जाए, करीब आए। ये एक और गाएं। नहीं है नहीं है कौन सा गाना है ये नहीं सुना हुआ, नहीं सुना हम इसे बनाते लिरिक्स। और शायद मैं ना रहूं, तुम ना रहो, हम नाराज हो गए। आमिर भाई जिंदगी के सारे गम न रहे। नहीं तुम क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। इसलिए जीता हूं शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूं। ये कब आपने भी अपनी जवानी का गाना सुना दिया है? हमारी जवानी का गाना, हमारी जवानी का सुनाते हैं, आपने अपनी जवानी का सुना दिया। गाना इनकी जवानी गाना, इनकी जवानी गाना कौन सा होगा? हाँ आप जवानी गाना ठीक है, अभी जवान हुए हम। मेलेडी याद आती है जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको मेरा मुनीब याद आएगा। मुनीब पद के लिए बहुत सारी तालियां, और नूमन के लिए भी बढ़िया आंखों में गुस्सा उतरा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, और जब हम हाजिर होंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नहीं गेम्स खेलेंगे हम, नहीं उसके बाद वो वाला है नहीं वही है, वो जो होता है वो जो हम लोग करते हैं, वो जो हम लोग करते हैं, क्या करते जो हम करते हैं वही है, वो जो हमने हमेशा किया वो रखा हुआ आपने, उसी तरह रखा हुआ जैसे हम करते हैं, उसमें कोई तब्दील तो नहीं है, वो वैसे ही है, मगर ये वो ही है ना। ठीक वक्फा देते हैं, वक्फा आते हैं। जी पाकिस्तान 2.0। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जीवे पाकिस्तान 2.0, मुनीब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मुमल शेख हमारे साथ हैं, दोनों हैं। और अब एक नया गेम यहाँ पर मुतारिफ कराया जा रहा है, और मुतारिफ कराने के लिए मैं मुमल शेख को सबसे पहले कहूँगा कि उसे शिफ लाएं और आकर अपने खिताब को उभार दें। आइए यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आप आए, पहले देख ले इसको, आपने देख लिया, अभी कुछ किया नहीं हमने, सिर्फ दिखा दिया, देख लिया, वापस जाए,
आप लोग मुझसे बातें करें क्योंकि उसमें जो भी होगा वो हम आप बैठ जाए अच्छा आप बैठ जाए देख नहीं सकते नहीं देख नहीं सकते ओके देखिए आप पता क्या है आपको देखना नहीं है नहीं तो फिर आपने इधर देखे इधर आ जाए इधर आ जाते ताकि हाँ और बताइए घर पे क्या हालात है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक अम्मी ठीक है बिल्कुल ठीक बाबा ठीक है बाबा कर क्या रहे हैं आजकल बाबा बस काम आपको तो पता है कि बाबा भी कुछ देखे आपकी क्लासेस से कुछ नजर आ रहा है मुझे लेकिन बाबा जो अभी देख रहे हैं प्रोग्राम बाबा देख रहे हैं यहाँ कहाँ जा रही है इधर आ मैं उधर थी बाबा के पास बाबा देख तो रहे होंगे बिल्कुल देख रहे होंगे बाबा से बात कर भी सकते हैं बाबा आ गए बाबा कहाँ आ गए बाबा टेलीफोन लाइन पर हैं अब बाबा को लाओ देखिए अच्छा तो मैं इधर आ रहा हूँ आप ये रखिए इधर ठीक है तू मुनीत देख सकता है मैं देख सकता हूँ मैं भी नहीं देख सकता मुनीत मुनीत तो मेरी जान है कुछ भी कर सकते हैं आप ही छोड़ जाओ हाँ तो ये ठीक है तो आप तो अरे मेरी सांप बता रहे आगे क्लासेस से सर जा रहा है तो अब आप आ जाएं आप इधर से हैं आइए अरे सांप कब फिर रहा है यार ओ सॉरी सॉरी क्या बता नहीं है सॉरी 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 अब मैं क्या करूं सांप बता दिया बता दो नहीं नहीं मैं नहीं जा रही मैं नहीं जा रही चलो देखो जहर निकाला था जहर जब 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 इसकी शादी हुई थी सबने मिलकर इसको रुखसत किया था अब जहर का मुझे याद पड़ता है ये पीपीएफ कार साइज थी दोबारा बहन को रुखसत करने के लिए सांप क्यों बोला सांप नहीं बोला उसने आप ऐसे हाथ डाल दें और इसमें कुछ तलाश करना क्या है मैं आगे से अच्छा ओके ठीक है एक सेकंड इसके अंदर कोई जानदार चीज तो नहीं बहुत खतरनाक चीज इतिहास इतिहास हाथ डालिएगा इतिहास इतिहास आप आ जाओ आ जाओ एक सेकेंड आप कोशिश तो आप हाथ डालो आप आवाज सुने छोटी सी बेटी निकलवाया था शहर इसका क्योंकि काटेगा तो प्रॉब्लम है मैं नहीं कर रही एक दफा तो आप वो कह रहे शहर निकलवाया था निकलवाया था ना तभी तो कह रहे हैं आप करें यार मेरे में तो वही आप यार कोई तो बता दे मुझे हम कोई नहीं बता कोई किसी भी ने बताया अगर भाई मेरे वाले में ये मत डालना प्लीज चले चलो चलो शाबाश भाई कभी को गलत कहा हां हां आप पे ट्रस्ट है आप पे ट्रस्ट है होश यार आराम से आराम आराम देख देख आप देखो एकदम करना है ना अगर अगर देर करोगी आई ट्रस्ट यू यू डोंट यू वोंट आपको भी नहीं करना चाहिए आप गलत कर रही हैं आप इस वक्त डाले हाथ कोई भी नहीं बैठेगा यहाँ पे मैं बता रही हूँ मिस्टर्स आपको एक्टिंग करिए ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट दो ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग पूरी ओवर लगी है गाइस देखना नहीं है अच्छा क्या करना है आज जिम्मेदारी देख लो प्लेडो आज हो रही है प्लेडो प्लेडो है देखो अल्लाह गाइस व्हाट अ प्रैंक कैमरा लगा हुआ हाथ स्लाइम है स्लाइम गाइस स्लाइम है ओवर एक्टिंग बहुत की थी अच्छा मैं आपको बता खुदा की कसम मैं आपको बता रही हूँ मैंने डाला और मेरी रिंग जो है यहाँ पे फंसी तो मुझे चोट लगी प्रॉमिस नहीं वो तो शुरू की थी बात ना अभी की थी वैसे पहले तो ओवर एक्टिंग थी ना चलो सारा आपने सस्पेंस मुझ पे ही कर दिया था आप वो तो आराम से डाल दिया नहीं मुनीम के लिए तो हम थोड़ी थोड़ी कही चीज हो मेरे लिए क्या पता वाकई सांप हो सकता है क्योंकि वो तो किचन में छुरियों से खेल रहा था
लाओ खतरनाक चीज, लाओ सांप को लाने की जरूरत क्या जब मैं मौजूद हूँ। हमारे होते में इच्छाधारी नाक हूँ मैं। अच्छा जी, मैं हूँ इच्छाधारी नाक। चले आए तशरीफ लाए। अच्छा, मुनीब बातें करते हैं ना। जी जी, नहीं नहीं, मैं वैसे बहुत इसमें ईमानदार हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देख रहे, इधर देखो, अमल की तरफ। मुझे बताओ कि एमन कैसी है, अमल कैसी है? अमल बिल्कुल ठीक। हाय अमल। अच्छा आज ये बताओ, आप अमल देख रही होगी टीवी? देख रही होगी। नहीं, वो सिर्फ कार्टून देखती है। तो देख रही होगी। आ जाए, आ जाए, हो गया। आ जाए, आ जाए। अच्छा ये आप एक ऐसी चीज है कि जो नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ये कि अगर आप इसको थोड़े हिम्मत के साथ और हौसले के साथ अगर इस पर आप तवज्जो रखते हुए इसको पकड़ने की कोशिश, नुकसान नहीं करेगा। सांप जैसी चीज है वैसे। हाँ, मैंने क्या कहा था आपको, फौरन डालेगा सिवाई है। और कुछ ये गैस करो, और गैस करो। खजला कुछ और कहते हैं। फेनी, फेनी, फेनी है, फेनी है। आज मुझे सहरी में फेनिया खानी है। Yes, decided. शेख साहब को मिला है फोन। क्यों? ऐसी दिन चारे बात करनी है। ये क्या बात है? उनका शो थोड़ी है, मेरा शो है। बाबा से बात करनी है, शेख साहब से बात करनी है, दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा ठीक है, वादा वफा करूंगा, अगर याद रहेगा पूछूंगा उनसे मैं। क्या फिर एमन को भी फोन करें? किसको? एमन को अभी कर लेते, दोनों कर लेते। हाँ। भाई इनकी वहाँ भी फोन मिला है, आदम्बर से नंबर से पहले है, प्रोडक्शन के पास होता है। कौन है? मोहम्मद की मूवी आ रही, आवाज तो दो। अच्छा दोबारा छोड़ दो ना, अभी बातें करते ना, वो मिलाओ तो सर। मैंने कहा दोबारा चीजें, मैंने कहा हो गया ना। नहीं नहीं, हो गया। हाँ, हो गया। अब उसके, क्या उसके बाद हमारे पास बहुत एक चीज है। नहीं हाँ, हम पिक्चर भी हैं। हाँ, वो भी है। ए, देखिए एक और चीज है। अच्छा खतरनाक तो नहीं? नहीं, वो वही है जो मैं हूँ। क्या? अच्छा आप पर्सनल पे जस्ट पिक्चर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर मुझे मुनी भी दिखाना है। अच्छा तो जाए मुझे आप मुनी बाबा जाए बोर्ड के पास। नहीं मैंने करना है ना, नहीं मैं बनाऊंगी ना जी, उससे गेस करना होगा। मैं तो देख ली है। जाइए आप जाओ, तुम इधर आओ। आओ, अच्छा भूल जाता हूँ मैं कभी कभी जी। मुनीब फौरन फौरन गेस करते हैं। फौरन फौरन क्या, जाऊँ फौरन जाओ? एक मिनट एक मिनट, मैं कह रही हूँ फौरन गेस करना। हाँ हाँ चले बनाओ तो सही, ठीक है। क्या ये टोपी? ये तो लगन मंडप का मटका था। टेबल? यस टेबल। लैंप? लैंप नीचे से बहुत गंदा है। लैंप? दैट्स अ लैंप। ये लैंप नीचे से बहुत गंदा है, ये रखा कैसे जाएगा? वो जल्दी जल्दी अच्छा एक टेबल पे एक लैंप बना। यार इट वाज वेरी इजी। आ जाओ बैठ जाओ। आओ मुमल बैठ जाओ, ये इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, मेरी इंटेलिजेंस। हाँ, ये क्या मतलब है? नहीं नहीं बहुत शुक्रिया क्या। ओ एक तो इतनी जल्दी जल्दी गैस करवाए। बैठे नजर ही नहीं आ रहा। साइकिल बाइसाइकिल ये हाइब्रिड बाइसाइकिल क्या है ये वैसे? नहीं मुझे समझ ही नहीं आया। ओके यार मैं बैठ नहीं रहा, मैं बस बहुत बैठ गया खड़ा।
दोबारा दिखाएगा आमिर भाई. केतली केतली वाह 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 जब आएगी जब वो जोश वाह 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 नहीं आ रहा नहीं आ रहा वाह 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 अरे ये तुम मैंने बनाना आप बनाने ना आपने समझ नहीं आ रहा वैसे मैं जीत रही हूँ ना कब कब मैच सॉसर प्याली सीटी क्या मुनीम हाथ से शायरी नहीं करते बिस्किट 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 ये अच्छा ये मुश्किल है थोड़ा चाय चाय नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन चाय बिस्किट हाँ वाह 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 तुम लोगों नींद सही आती होगी घर जाके वफ़र रहते हैं लेकिन शेख साहब को मिला रहे उसके बाद और शेख साहब के साथ साथ ज़रा मुनीब के घर में ही फोन लेना चाहिए ना इनके बाद में एक वफ़र रहते हैं वफ़र के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान 2.0 पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है उसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होगा वैसे भी थोड़ी देर के बाद अमूमल को कहीं जाना है कमिटमेंट है उनकी अब मुनीब ने भी ज़ाहिर किया लेकिन आज दोनों ने बहुत अच्छा वक्त हमने उनके साथ गुजारा और दोनों ने बहुत अच्छा वक्त यहाँ पर दिया बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से आइए सांप सीढ़ी की तरफ आते हैं ये तो आपका फेवरेट गेम है आइए मेरा फेवरेट गेम नंबर वन पे आ जाए दोनों पास खड़े हो जाए उसको सबसे पहले मुनीब नहीं नीचे 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 अच्छा नीचे ओके अब मुनीब आपका नंबर है सबसे दो दो पे खड़े हो जाओ जी मुमन छः छक्का छः डायरेक्ट छः डायरेक्ट छः बाप बाप मुनीब तीन पांच तो मैंने जीतना है पांच पांच नहीं 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 इधर 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 एक दो तीन चार इलेवन पे होना ग्यारह ग्यारह इलेवन इलेवन उल्टा जा रही हो नहीं रास्ते में था ना छह ओह नो Dude, अभी तो आपके आएंगे आपके आने चाहिए चार, एक, चार एक से दो तीन चार, चार, या अल्ला, चार या अल्ला चार लेकर आप चार बजाओ भाई बजाओ 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 मैंने नहीं खेलना
और नाज़रीन इसी तरह हमारे शो का वक्त होता है खत्म, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, और ये आने वाला है मुनीब का 6। आमिर भाई, दिस इज चीटिंग। आमिर भाई, ये नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, 6 आता तो ये नीचे आता। चलो भाई, मोमल शॉर्ट है, ये मोमल की बारी ना। 13 छे मोमल, तुम सीढ़ियां चढ़ जाओ। मोमल 2 3 आ गया था। 1 इसको सांप से नीचे लेके आए वापस। 5 चाहिए, 5 5 5 2 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुकून सुकून से। 2 2 2 वाह मोमल, कितना? 5 या 6 तीन ना, 11 पे आ जाओगे। 3 इंटरेस्टिंग हो जाएगा, 5 या 6 इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 3 चलो खैर है, करें जी। 3 पे बहुत इंटरेस्टिंग है। हौले हौले आ रहा, सुकून से सुकून से। तू हौले हौले रखना कदम बदम, अल्फत की राहों में है पेचो खम सनम। चलो 1 2 3 4 5 लाने डॉक्टर साहब। 2 5 2 5 चार लाने, चार चार कर ले, चार आपकी ना मेरी 3 है, आपकी ना मेरी 3 नहीं चार। वैसे तो मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी 2 आए, चले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी 4 आए। चले 1 2 3 4 है। चलो यार मुनीब जीतो, आप दोनों के साथ बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप दोनों को इसी तरह खुशखुर्रम रखे, आप अपने घर में आबाद रहें, दोनों दोनों की एमन की और आपकी जोड़ी जो है अल्लाह सलामत रखे, सदा सलामत रखे, आपकी जोड़ी आपकी शोहर सलामत रहे, और बाबा का साया सर पे रहे, अम्मी का साया सर पे रहे, भाई का साया सर पे रहे, और इस भाई का साया भी सर पे रहे। बहुत सारी दुआओं के साथ आपको रिसेप्ट करते हैं आपके साथ। कभी भी आपने जाहिर है मोमल मेरे से फिरदौस की लॉन पर दी दी, आपने कभी फिरदौस की लॉन मैंने आपको कभी दी नहीं, आपने पहनी नहीं, लेकिन स्विस चेन वॉच आप जरूर पहनिएगा, बहुत अच्छी घड़ी है और ये आपके लिए बहुत खूबसूरत घड़ी है। मैंने इसका ऐड किया है, आपने इन्होंने इन्होंने इसका ऐड भी किया है, लेकिन आप मुनीब से मिलकर आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने भाई से मुलाकात की है। बहुत इनके साथ ये बहुत आज ये बहुत बहुत इन इन दोनों को आगे जाना है, इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और इसके साथ ही जोरदार नारा लगा दीजिए, जीवे पाकिस्तान 2.0।